नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक न्याय पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लाया हुआ है डीटी सेट टॉप बॉक्स पर, ये जो वीडियो है इसी में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पर ही डिश सेट करने की मशीन कैसे बनाए, यानी दो काम एक ही मशीन से आप अपने घर पर डीटी सेट टॉप बॉक्स की तरह उसे यूज भी कर सकते हो और आप फ्री डिश भी सेट कर सकते हो, जो मैं खुद यूज करता हूँ फ्री डिश छतरी सेट करने में। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्विच, उसके बाद एक डीटीएच सप्लाई, उसके बाद एक मदरबोर्ड, एक पैनल। जो ये पैनल है, कोई भी आपका जो फ्री डीटीएच सेटअप बॉक्स है, अगर कोई सा डैमेज है तो उसमें से आप निकाल सकते हैं, आराम से यूज हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट में पावर कार्ड, और जो हमारा मेन है वो है हमारा एक बॉक्स प्लास्टिक। देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी सब ये छेद कर रखे, क्योंकि मैं पहले भी से यूज करता था। मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि इसे आप किस तरह से बना सकते हैं, और इसकी मदद से आप डिश भी सेट कर सकते हो और अपने घर में डीटीएच सेट टॉप बॉक्स की तरह भी इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा पैनल है इसे हम इसमें लगा लेते हैं। आपको ये मैंने देखे सब ऑलरेडी सब कम्प्लीट था, क्योंकि मैं खुद इसे डिश सेट करने में यूज करता हूँ, फ्री डिश जो भी होती, तो मैं इसे ऑलरेडी इसमें निकाल लेता हूँ इस तरह से। और मैं इसमें अभी इस तरह से आपको कस लेना। तो अब हम इसमें लगाते हैं मदरबोर्ड। तो ये है हमारा वो मदरबोर्ड, तो ये अब हमारा लग चुका है। अब इसमें हम कस देते हैं नट, नट लगा देते हैं ताकि इधर उधर ना जाए। और इसमें भी एक नट कसना है, खैर में बाद में कस लूंगा ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब लगानी इसमें हमारी सप्लाई, ठीक है। तो इसे हम लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर भी एक छोटा सा छेद करा से कसने के लिए, खैर मैं नहीं कसूंगा, फालतू समय लगेगा। अब इसे कस ले ताकि इधर उधर हिले इस तरह से। और उसके बाद इसे इस तरह से लगा ले। देखिए ये जो जेक का डिजाइन है ये इस साइड आना चाहिए, देखिए इस साइड आना है। इस तरह से इसे लगा लेना है। तो अब रह गए हमारे पैनल का जेब। देखिए इसे आप दोनों साइड से इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से, देखिए इस तरह से भी, और इसे इस तरह से लगाकर दोनों साइड से आप देख सकते हो। इसमें शॉर्ट होने का कोई डर नहीं रहता था, दोनों साइड से लगाकर देख सकते हो। मैं पहले इसे इस तरह से लगा लेता हूँ, इस तरह से। अब रह गए हमारी पावर कार्ड, तो इसमें से निकालना, देखिए यहाँ से, और उसके बाद एक गठान मार देना ताकि ये इधर उधर हिले ना। इसको स्टार्ट की जैसे हम इस तरह सॉल्डिंग कर लेना,
इसे सॉल्डिंग कर देना जेब को। इस तरह से, और इसमें दोनों वायर जोड़ देना। इसे इसको भी हम सोल्डिंग कर लेते इस तरह से। ये अब हमारा हो चुका है, अब बक्ते से टेस्ट करना है। तो इसे अब हम लगाते हैं लाइन में, हमारे सर से देखिए ऑन हो गया है। ये चालू हो चुका, देखिए चालू हो चुका है एकदम ओके। खैर इसमें मैंने ये स्विच नहीं लगाया है, क्योंकि देखिए इसे मैं लगा सकता था यहाँ पर, मैंने इसका भी ऑलरेडी छेद कर रखा है, पर इसमें समय लगता है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे नहीं लगाया। अब देखिए आपको कभी डिश सेट करनी है तो सबसे पहले आपको जो छतरी का कनेक्शन है उसे इस तरह से यहाँ पर लगा लीजिए, ये पहले में, इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से कस लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा जो रिमोट का सिंगल बटन होता है, ये देखिए इसे दबाकर आपको रेंज देखनी है। देखिए रेंज बता रहा है पी यानी सिंगल, जो इसका जो पावर सिंगल है ये दिखा रहा है। देखिए इसे आप इसे वीडियो में चला सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% चलेगा। देखिए अभी आपको वीडियो लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ये वीडियो का है, ये दो हमारे आइडियो के हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जिनकी बॉडी डैमेज हो इसे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद इसे डिश सेट करने में यूज करता हूँ, क्योंकि एकदम परफेक्ट होते हैं, इसे कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही थोड़ा शॉक लगने का डर होता है। मैं देखिए आपको हाथ लगा भी बता देता हूँ, इतना बहुत कम वोल्टेज होता है, 3.35 वोल्ट ऐसे कुछ होते हैं पैनल पर, तो इससे ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती। और इसे हम फाइनली लगाकर फिट कर देंगे। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कभी आप कहोगे जैसे मैं टीवी पर भी चला कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लगता है कि ये फेक है तो आप मुझे बोल देना, मैं इसे टीवी पर भी चला दूंगा। और जो स्पीकर का ये जो कनेक्शन है, ये मैं कभी आप बोलोगे स्पेशली तो ये भी मैं इसमें आपको बनाकर दे दूंगा, बता दूंगा किसे इस तरह से आप चला सकते स्पीकर भी। तो इसी तरह के वीडियो देखने